रंगों का त्योहार यानी होली नजदीक है। होली में अगर पलाश, परसा, केंसुकिया और टेसू के फूलों के रंग मिल जाएं, तो होली और रंगीन हो जाती है। यहाँ प्रकृति का वह अनमोल तोहफा है जिसे करीब से देखने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। पलाश के फूलों का जिक्र साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में किया है। होली के दौरान गाए जाने वाले लोकगीतों में भी पलाश या टेसू का जिक्र मिलता है। फूल को लाके सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको पीस के चाल के वो गुलाल को फिर हम लोग बेचते हैं। एनालम अजीब कमीशन से हाँ, फूल 12 रुपये किलो जा रहा है और गुलाल 15 रुपये। भारत में पलाश का फूल हर जगह मिल जाता है। कम ऊंचाई के पेड़ों पर एक दूसरे से गुथे हुए अर्ध चंद्राकार का सुर्ख केसरिया के फूल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सालों पहले उमरिया के आदिवासी अंचल में होली बड़े चाव के साथ खेली जाती थी, लेकिन अब प्राकृतिक रंगों की जगह हानिकारक आर्सेनिक और लेड से शुमार रंगों का इस्तेमाल होने लगा है। ये ऐसे रंग होते हैं, अगर ये आपके चेहरे पर लग जाएं या मुंह में चले जाएं, तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन हर्बल प्रोडक्ट नुकसानदायक नहीं होता। इसी हर्बल प्रोडक्ट को स्व सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं। आजकल देखिए केमिकल वगैरह के रंग से होली खेलते हैं, तो केमिकल के रंग से कई तरह से नुकसान होता है, त्वचा को नुकसान होता है, जिसको दमा है, अस्थमा है, उनको सांस की बीमारी होती है। अगर आंखों में चला जाए तो आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। और जबकि पलाश से अगर रंग बनाते हैं, इसको बाल के रंग बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। किसी को कोई तरह से भी स्किन एलर्जी या किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, एकदम प्राकृतिक है। पलाश के पेड़ पर अध्ययन कर चुके प्रोफेसर डॉक्टर एम एन स्वामी बताते हैं कि पलाश के फूल के अनगिनत फायदे हैं। इस ब्रह्म वृक्ष भी कहा जाता है, इसके कई औषधीय गुण हैं। पलाश के फूल ही नहीं बल्कि इसके पत्ते, टहनी, फली, जड़े तक का विशेष आयुर्वेदिक महत्व है। आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार रंग बनाने के अलावा इसके फूलों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चमक बढ़ती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। यह पूरा जो पौधा है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का ये राज्य पुष्प है और इस पे डाक टिकट भी जारी हो चुका है कि ये गुड फॉर इन्वायरमेंट है। यह पौधा, इसके नीचे हमेशा नमी बनी रहती है और नमी बनी रहने के कारण हमारे लिए जो पानी का लेवल है वह हमेशा बना रहेगा जहाँ पर यह पौधा लगाया जाएगा। हम चरक संहिता और यदि सुश्रुत को देखें तो इसके अंदर इसके जो बीज थे वह उपयोग में लाए जाते थे, जैसे चर्म रोग के लिए इसका उपयोग लाया जाता था, डायबिटीज़ में इसके पौधे को, इसके बीज को उपयोग में लाया जाता था। इसके अलावा यदि हम देखें इसकी छाल जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी काम में लाई जाती है। उमरिया कलेक्टर का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फूलों से बने रंग ही स्व सहायता समूह की आमदनी का जरिया बनेगा। ग्राम हड़हा की सहायता समूह की अध्यक्ष लक्ष्मी कोरी बताती हैं कि ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हमें पलाश के फूलों से रंग बनाने का काम कर रहे हैं। स्व सहायता समूहों का गठन बहुत हो चुका है और इन सबको कोई ना कोई आजीविका उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है, और इसमें यदि प्राकृतिक उत्पाद, जैविक उत्पादों के अगर हम इनको ट्रेनिंग देकर इनसे उत्पादन करवा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और इन उत्पादों को अब हमें मार्केट उपलब्ध कराना है, तो इसी क्रम में हमने बहुत सारा जैविक गुलाल उत्पादित करवाया है। वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण एक बार फिर प्रदेश के साथ साथ उमरिया को अपनी जद में ले रहा है। जिला प्रशासन ने होली का त्योहार घर में रहकर मनाने की अपील की है। ऐसे में पलाश के फूलों की होली रंगों के त्योहार में चार चांद लगाने का काम करेगी। उमरिया से संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।